हरि ओम ओम नमो नारायण ओम गुरुवे नमः। आज मैं घूमने निकला था तो सड़क के किनारे देखिए हमें, मैंने कहा बन प्याज होगा, लेकिन ये बन प्याज नहीं है, ये बन मूसली है, सफ़ेद मूसली काफ़ी है। मैं इसके 5-10 पौधे ले जाऊंगा लगाने के लिए, उगा के देखते हैं। तो ये आप देखेंगे बन मूसली, सफ़ेद मूसली बोलेंगे, सफ़ेद बन मूसली। इसमें कंद बहुत छोटी छोटी होती है, ऐसी जो पहाड़ की काली मूसली होती है उसमें भी एक ही कंद होता है, उसमें कंद बड़े छोटे होते हैं, वो भी इधर देखने को मिल जाएगा। और ये है जैसे ये है काली मूसली, और ये जो मैंने दिखाया ये सब आपको सफ़ेद मूसली है, वन सफ़ेद मूसली है। इसका किसी को उपयोग हो तो ज़रूर बताइएगा, हमने कभी इसका यूज़ नहीं करा है, बन मूसली कहते हैं। लेकिन अब की मैं सोच रहा हूँ एक तो जड़ ले जा करके इसको देखते हैं दूध के साथ ले करके। लेकिन आप लोग अगर इस पे कोई अनुभव हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका हम लोग संरक्षण करके खेती करें और उससे लाभ ले सकें। काफ़ी मिल जाएगा, इसके पौधे तैयार करने के हमें, तो बस इतनी थोड़ी सी बात जितना मुझे ज्ञात होते ही बता रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसे आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, और वास्तव में ये क्या है, बन मूसली या कुछ और है, या कोई और अन्य औषधि है, ताकतवर कंद है, तो आप ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय प्रभु।